बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे पास हमारा लेसन है, ये है लेसन नंबर 11 और टॉपिक होगा स्टूडेंट्स हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 1। और इस फर्स्ट लेसन के अंदर हमारे पास जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं आज हम सॉल्व करेंगे 1 to 5। स्टूडेंट, इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप इससे रिलेवेंट भी आप सुन लें और उसको याद रखिएगा कि जब भी आपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है तो जब आपकी न्यूमेरिकल्स की क्लासिफिकेशन जो आपकी हेडिंग्स हैं वो प्रॉपर होंगी, अरेंज करके आपने लिखा होगा, तो एक अच्छी लुक जो है वो सामने आती है, एक अच्छी प्रेजेंटेशन सामने आती है और न्यूमेरिकल्स को अंडरस्टैंड करना और चेक करना भी इजी हो जाता है। तो आपने हमेशा आपने बेसिक 5 जो हेडिंग्स हैं वो यूज़ करनी है अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। वो भी मैं साथ साथ इंशाल्लाह आपको बता दूंगा और देख लीजिएगा कि हम न्यूमेरिकल्स को किस अंदाज से सॉल्व करते हैं। सेकंड, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त बच्चों को, एक वो ये कि लास्ट में स्टूडेंट्स अपने न्यूमेरिकल के आंसर के साथ यूनिट नहीं लिखते। और अगर वो स्टूडेंट्स यूनिट नहीं लिखते तो मोस्टली स्टूडेंट्स को इस बात की कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पर यूनिट कौन सा हम यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, आप ये चीज़ हमेशा अपने जहन में बिठा लें, इसको फिक्स कर लें कि जब भी आपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है और लास्ट में जिस चीज़ का आंसर फाइंड आउट करेंगे उसी का यूनिट आप साथ लिखेंगे। ऊपर क्या यूनिट्स यूज़ हुए, क्या क्वांटिटीज़ यूज़ हुई, आप उस चीज़ को नोट डाउन नहीं करेंगे। आपने सिंपली सारी की सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करें लास्ट में। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी, तो इसका यूनिट है हर्ट्ज, तो आप जो फ्रीक्वेंसी का आंसर निकालें साथ हर्ट्ज लिख दें। क्लियर? इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल आपने मैथ्स फाइंड आउट करना है तो जब आप कैलकुलेशन के बाद मैथ्स फाइंड आउट कर लें साथ यूनिट लिख दें मैथ्स का, केजी, सिंपल। और यूनिट लिखना भी ज़रूरी है। तो उम्मीद है ये कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अच्छा, इसी के साथ हम अपनी एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं भी रीड आउट कर रहा हूँ, आप भी साथ साथ गौर से सुनिएगा ताकि हम अपने गिवन डाटा को और चीज़ों को क्लासिफाई कर सकें और फिर हम अपनी बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको भी डिटेल में लिख सकें। तो सबसे पहले नंबर पर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो गिवन डाटा है न्यूमेरिकल का जो स्टेटमेंट है वो कुछ यूँ है स्टूडेंट, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। यानी सबसे पहला जो पॉइंट हमें यहाँ पर मिल रहा है अपनी स्टेटमेंट के अंदर कि हमारे सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो कितना है स्टूडेंट, 2 सेकंड का। सेकंड स्टूडेंट्स कहता है जी, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ। इसका मतलब ये है कि सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो कितनी होगी अर्थ पर, पहला पॉइंट जो फाइंड आउट करना। सेकंड स्टूडेंट, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून। जो दूसरी चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो क्या है कि लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन मून। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट होगा जो हमने फाइंड आउट करना है। और लास्ट में हमारे पास एक की पॉइंट हमें मिल रहा है यहाँ पर जी, विच इज़ द वेयर जी ई इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इफ़ द जी एम इज इक्वल टू जी ई ओवर 6। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हमारे पास ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ऑन अर्थ ये हमारे पास गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नॉर्मली आपको पहले से भी जी की वैल्यू का पता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वैल्यूज़ को अरेंज करके सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो न्यूमेरिकल होगा हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल विच इज़ 10.1, इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिटेल है उसमें हम सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे गिवन डाटा। स्टूडेंट्स, गिवन जो वैल्यूज़ हमारे पास एज़ पर द गिवन स्टेटमेंट जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट हमारे पास आता है टाइम पीरियड विच इज़ 2 सेकेंड। सेकेंड चीज़ जो स्टूडेंट हमें यहाँ पर मिली थी अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा वो ये थी, द ग्रेविटेशनल वैल्यू या ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू थी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। स्टूडेंट, ये हमारे पास गिवन थी विच इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह एक कंडीशन भी स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर गिवन थी और वो कंडीशन ये है कि अगर आपको जी की वैल्यू ऑन द सर्फेस ऑफ मून चाहिए तो वो ये कहता है कि आप सिंपली अपनी इस ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इसको डिवाइड करवा दें 6 के साथ। तो आपको आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू ऑन द सर्फेस ऑफ मून ये भी मिल जाएगी। सेकेंडली स्टूडेंट्स, हम लोगों की जो हेडिंग होगी हमेशा से वो हमारे पास होगी स्टूडेंट्स के हमने फाइंड आउट क्या करना है, या हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, टू फाइंड और द वैल्यूज डेट आर रिक्वायर्ड। आप दोनों हेडिंग्स दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर दो चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले नंबर पे हम लोगों ने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट वो अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट है जी लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ।
इसको हम लिख लेते हैं एल ई, ये फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह लेंथ ऑन मून इट विल बी मैंशनड बाय द लेंथ एम, और ये हम लोग जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम लोगों के पास जो थर्ड हेडिंग आती है, वो थर्ड हेडिंग ये है कि हम लोग यहाँ पर कौन से फार्मूलाज का यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप सबसे पहले नंबर पे फार्मूलाज मेंशन करेंगे, ये हमारी थर्ड हेडिंग है कि ऐसे कौन कौन से फार्मूलाज हैं जो हम अपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें स्टूडेंट्स यहाँ पर क्योंकि डिस्कस किया जा रहा था हमारी स्टेटमेंट के अंदर सिंपल पेंडुलम को, और हमारे पास बातें आ रही हैं दी टाइम पीरियड एंड लेंथ, तो हमारे पास ये कंक्लूड हो जाता है इन दो तीन पॉइंट से कि हमारे पास जो ऐसा कोई फार्मूला जिसमें ये चीज़ें यूज़ हो जाएँ, जैसे कि लेंथ भी हो, टाइम भी हो और जी भी हो, तो ये देखिएगा कि लेंथ, टाइम और जी हमारे पास इस फार्मूले में जो है वो हमने डिस्कस किया था, टी इज इक्वल टू टू पाए एंड अंडर रूट लेंथ ओवर जी। तो ये हमारे पास फार्मूला था जिसमें हमने अपने इस ये जो टर्म्स थी इनको डिस्कस किया था। इसी के साथ स्टूडेंट हमारे पास जो हमारा पॉइंट आएगा लास्ट में वो होगा जी सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन क्योंकि स्टूडेंट्स हम लोगों ने फाइंड आउट करना है दो चीज़ों के लिए, तो हम पहले तो यहाँ पर कॉमन डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ, सेम द लेंथ फॉर लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड सेम द लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ मून, लेकिन लेंथ को जब हम सेपरेट करेंगे फार्मूला में से तो वो फार्मूला एक ही रहेगा, हम सिर्फ वैल्यूज चेंज करेंगे और हमारा आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा दोनों का। तो सबसे पहले नंबर पे जो हमारी कॉमन स्टेटमेंट हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑन द गिवन फार्मूला ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास स्टूडेंट ये जो फार्मूला है कुछ यूं शिफ्ट हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट लेंथ ओवर जी होल स्क्वायर, और इसी के साथ यहाँ पर ये वैल्यू बनती है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा और ये वैल्यू बन जाएगी लेंथ ओवर जी। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हम लोगों को अपने गिवन फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें लेंथ की वैल्यू चाहिए, तो हम अपनी लेंथ को जब सेपरेट करेंगे तो फिर हमारे पास जो वैल्यूज़ का चेंज आएगा स्टूडेंट वो मैं यहाँ पर मैंशन करता हूँ। ये फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास बनेगा टी स्क्वायर डॉट जी ओवर 4 पाई स्क्वायर एंड इज इक्वल टू लेंथ। अब स्टूडेंट ये हमारे पास एक कॉमन फार्मूला आ चुका, अब हम इस कॉमन फार्मूला को यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ लेंथ के साथ जी और एम की वैल्यू जो है वो चेंज करके, और अपनी जो गिवन वैल्यूज़ हैं डाटा की वो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारा जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा और हमें हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट्स सबसे पहले नंबर पे अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ लेंथ ऑन यानी एल ई फाइंड आउट करना चाहता हूँ लेंथ ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा अपने फार्मूले के अंदर जो लेंथ का डिजिट है उसको एल ई मैंशन कर दूंगा इस तरह से, टी स्क्वायर डॉट जी 4 पाई स्क्वायर एंड इज इक्वल टू एल ई। अच्छा स्टूडेंट ये भी याद रखिएगा कि जब हम लेंथ ई यूज़ कर रहे हैं यानी लेंथ हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, तो हमारे पास जो जी की वैल्यू है ये भी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ वाली हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर भी फिर आप मैंशन कर देंगे जी ई। सो देन अब हम जब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट, तो टी की जो हमारे पास वैल्यू थी टाइम पीरियड की विच विल बी आ 2 सेकेंड, सो और जी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या थी 10, 4 एज इट इज, पाई की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास होती है 22/7 भी, और इसी के साथ हमारे पास जो इसकी नेक्स्ट वैल्यू है वो स्टूडेंट होती है 3.14, और क्योंकि पाई का स्क्वायर है तो हम यहाँ पर इसके ऊपर स्क्वायर मेंशन कर देंगे, सो ये हमारे पास रहेगा हमारी लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा स्टूडेंट इसी तरह अब यहाँ पर हम लोगों ने इनकी कैलकुलेशंस करनी है, तो कैलकुलेशन आप लोग स्टूडेंट्स अपने कैलकुलेटर्स यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको जो है वो वैल्यूज मेंशन करवा रहा हूँ, टू स्क्वायर 4 एंड देन
4 इज मल्टीप्लाई बाय 10, द आंसर विल बी 40. इज इट क्लियर? देन 3.14 का स्क्वेयर लें स्टूडेंट और इस स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करवा देंगे जब हम अपनी वैल्यू के साथ 4 के साथ, तो हमारी वैल्यू एक तो कुछ यूँ बन जाएगी. पहली वैल्यू होगी 4 एज इट इज़, और 3.14 का स्टूडेंट जो स्क्वेयर हमारे पास आता है वो होता है 9.86. अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, तो कैलकुलेशन के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर इसका हमारा हमें मिलेगा वो होगा स्टूडेंट 1.02. अब रहेगी बात यहाँ पर ये कि यूनिट कौन सा यूज़ करेंगे. तो स्टूडेंट हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं लेंथ, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर. तो हम साथ मेंशन कर देंगे मीटर. सिंपली ये हमारा फर्स्ट आंसर होगा. इसी तरह स्टूडेंट अब हम लोगों ने सेकंड पॉइंट जो है उसको फाइंड आउट करना है. तो जब हम अपने सेकंड पॉइंट को फाइंड आउट करना चाहेंगे तो यहाँ पर हम अपनी सेकंड जो वैल्यूज थी उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल जो फार्मूला था सबसे पहले वो कुछ यूँ चेंज होगा, लेंथ एम के लिए टी स्क्वायर डॉट जी एम फो पाई स्क्वायर एंड एल एम. जब हम अपनी गिवन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्टूडेंट हमें सबसे पहले जी एम रिक्वायर्ड होगा. अब ये भी याद रख लीजिएगा कि फॉर एग्जांपल जब मैं यहाँ पर जी एम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ तो मैं पहले उसको फाइंड आउट करूँगा. जी ई की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट? 10 और 6 एज इट इज़. तो इसका स्टूडेंट हमारे पास आंसर क्या आता है? ये हमारे पास स्टूडेंट आंसर इसका बनेगा 1.6. और जी एम इसका भी यूनिट सेम रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, तो हम ये मैंशन कर लेते हैं. अच्छा स्टूडेंट अब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. टाइम एज इट इज़ 2 स्क्वेयर, जी एम की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या थी? 1.62 या 1.63 भी आप मैंशन कर सकते हैं इसको, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. 4 की वैल्यू एज इट इज़ पाई 3.14 स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू एल एम. और अगर स्टूडेंट हम इसको डायरेक्टली सॉल्व आउट कर लें, यानी पहले 2 का स्क्वेयर लें फिर इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, इसका स्क्वेयर लेकर इससे मल्टीप्लाई करवाएं और फिर इसको डिवाइड करवा दें, तो हमारे पास स्टूडेंट एक तो वैल्यूज़ कुछ यूँ बनती हैं. ऊपर वाली मल्टीप्लीकेशन में आंसर आता है 6.44 और नीचे वाली वैल्यू में हमारे पास स्टूडेंट आंसर आता है 39.44 एल एम. अब स्टूडेंट जैसे ही हम इसका फाइनली आंसर कैलकुलेट करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन के बाद जो हमें आंसर मिलता है स्टूडेंट ये होता है 0.17 मीटर, और लेंथ का यूनिट मीटर था तो हमने वो सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो ये हमारे पास हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था जो हमने सॉल्व आउट कर लिया. अब हम लोग स्टूडेंट्स चलते हैं अपने सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ, और सेकंड न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट थी स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो यूं क्यों लिखी है, अ पेंडुलम ऑफ द लेंथ इज 0.99 मीटर. यानी सबसे पहला पॉइंट हमें क्या मिलता है? लेंथ मिल रही है सिंपल पेंडुलम की विच इज 0.99 मीटर. तो गिवन डाटा 10.2 न्यूमेरिकल, तो जो हमारे पास वैल्यू स्टूडेंट्स गिवन है उसमें सबसे पहले क्या आ गया? लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, और ये क्या है स्टूडेंट? 0.99 मीटर. अच्छा सेकेंडली उसने ये कहा है कि इज टेकन टू द मून बाय एस्ट्रोनॉट्स. ये हमारे पास वैल्यू आई है ऑन द सरफेस ऑफ मून पे, तो हम यहां पर लेंथ को लिख सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ मून एल एम. एंड देन आफ्टर इट कहता है जी द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड, कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है स्टूडेंट वो क्या है? 4.9 सेकेंड है. तो यहां पर हम मेंशन कर लेते हैं द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड. जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है द थिंग्स दैट वी हैव टू फाइंड आउट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून. अब हम लोगों ने स्टूडेंट जिस चीज को फाइंड आउट करना है ये स्टूडेंट हमारे पास होगी वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ मून. सो वी हैव टू फाइंड आउट द जी ऑफ द मून, ये हमने फाइंड आउट करना. तो स्टूडेंट्स आप देखें सेम वही चीज़ें जी एल एम, तो हम कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? अब आपको ये याद हो चुका होगा वी हैव टू यूज़ द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम अगेन ओवर हियर. सो विच इज़ द फार्मूला एज 2π अंडर रूट लेंथ ओवर जी. और स्टूडेंट यहाँ पर क्योंकि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है अपनी जी की वैल्यू को, तो हम अपने सॉल्यूशन में जी सेपरेट करेंगे.
स्टूडेंट जैसे ही हमने इसको सेपरेट करना है तो सबसे पहले स्क्वेयर रूट को खत्म करने के लिए वी हैव टू टेक द स्क्वेयर ऑन बोथ साइड. द वैल्यू विल बिकम टी स्क्वेयर 4π² लेंथ ओवर जी. और व्हेन वी हैव टू सेपरेट द जी सो जस्ट शिफ्ट द जी ओवर हियर और यहाँ से टी स्क्वेयर को इस तरफ डिनोमिनेटर में ले आए तो आपका आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली ड्राइव आउट हो जाएगा. तो सिंपली g इज इक्वल टू 4π² लेंथ ओवर टाइम, यानी g को मैं उधर ले गया हूँ और t को इधर. अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं. 4π इज मल्टीप्लाई विद द लेंथ, तो g यहाँ पर सेपरेटली लिखा तो ज़रूर है लेकिन एक्चुअली ये g इस पूरी वैल्यू के साथ डिवाइड हो रहा है. इसी वजह से मैंने यहाँ पर जो t की वैल्यू है इसको पूरी वैल्यू के नीचे मेंशन कर दिया. आप चाहें तो पूरी वैल्यू के नीचे लिख लें और अगर आप चाहें तो इसी तरह लेंथ ओवर t भी लिख सकते हैं, आपके आंसर पर कोई इफेक्ट इंशाल्लाह नहीं पड़ेगा. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं अपनी वैल्यू को. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज so when we substitute the value in a given formula or in a derived formula the answer will become as 4 3.14 whole square and the length of the simple pendulum on the surface of moon is 0.99 and the time period which is given 4.9 second. तो ये आपके पास कुछ आपकी वैल्यूज हैं. और स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्योंकि स्क्वेयर था ये मिस हो गया, हम इसको भी साथ ही मैंशन करेंगे. हाँ अब ये करेक्ट है. अच्छा स्टूडेंट्स जैसे ही आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले आप न्यूमिरेटर को सॉल्व करेंगे, देन यू हैव टू सॉल्व द डिनोमिनेटर और जब आप डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लें फिर आप इसको डिवाइड करें तो आपके पास आपका जो आंसर है स्टूडेंट ये आएगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. आप इसको डायरेक्टली 1.62 भी किसी का आ सकता है और कई ऐसे भी कैलकुलेटर्स होंगे जिन पर आपको सिंपली 1.6 आ सकता है. तो आप इसको सिंपल ऐसे भी लिखा रहने दे सकते हैं और 1.6 भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर्स जो हैं वो आपके करेक्ट होंगे. तो स्टूडेंट्स ये आपके दो न्यूमेरिकल्स थे जो मैंने आपके सामने यहाँ पर मेंशन कर दिए, सॉल्व कर दिए. अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं जी अपना न्यूमेरिकल नंबर 3. अच्छा स्टूडेंट्स अगर हम अपनी स्टेटमेंट पर की तरफ आएँ न्यूमेरिकल नंबर 3 की, तो न्यूमेरिकल नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स ये है हमारे पास जी फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ. इसका मतलब ये है कि हमारे पास हमने एक तो टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम विच हैव द लेंथ ऑफ 1 मीटर. इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास लेंथ स्टूडेंट होगी वो होगी 1 मीटर. अच्छा जी प्लेस्ड ऑन द अर्थ एंड ऑन मून, ये दोनों पर हमारे पास सेम है. अच्छा सेकंड कहता है जी द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड मून इज 1/6 ऑफ दिट्स वैल्यू ऑन अर्थ when g is 10 meter per second. अब हमारे पास जो चीज़ गिवन है स्टूडेंट वो है जी जी ई विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. और एज सेम हमने जिस तरह फर्स्ट न्यूमेरिकल में डिस्कस किया था हमारी जो स्टेटमेंट थी जी एम की वो कुछ यूँ लिखी हुई थी जी ई ओवर 6. तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं 10/6 विच विल बी आ 1.62 और 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ जाती हैं. हमने सिंपली सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना है यहाँ पर. तो स्टूडेंट्स जब हम यहाँ से अपना टाइम पीरियड जो है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास जो हमारी वैल्यूज़ होंगी वो कुछ इस तरह से प्लेस होंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चूज़ द फार्मूला डेट हेल्प अस टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम विच इज़ 2π अंडर रूट लेंथ ओवर जी. सो द सोल्यूशन ऑफ दिस फार्मूला इज कम एज, हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट करना है तो बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी. 2π की वैल्यू स्टूडेंट्स 3.14, अंडर रूट लेंथ की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी 1 मीटर और g की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है. अच्छा अब हमने ये चीज़ देखनी है यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल कि हमने जब फाइंड आउट करना था अपना t ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड t ऑन द सर्फेस ऑफ मून, तो इसका मतलब है कि हमें दो चीज़ें यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं, यानी हम दो टाइम पीरियड जो है वो फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले हम टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लेते हैं जी ई का. तो जब हम यहाँ पर जी ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट तो वो होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद स्टूडेंट हमारे पास ये वैल्यू कुछ बनती है 6.28 और अंडर रूट 1/10 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास ये कुछ बनती है 0.1 एंड अंडर रूट. फर्दर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है स्टूडेंट
अप्रॉक्सीमेटली 1.98 सेकेंड। ये हमारे पास स्टूडेंट टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई है ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। अब सेम फार्मूले का यूज करके हमें फाइंड आउट क्या करना है ऑन द सर्फेस ऑफ मून। तो स्टूडेंट्स जब जैसे ही हम इस फार्मूले को यूज करेंगे यहां पर सेकेंड पॉइंट के लिए टी ऑन द सर्फेस ऑफ मून, फार्मूला स्टूडेंट सेम था 2, 3.14, अंडर रूट लेंथ की वैल्यू स्टूडेंट 1 और जी एम की वैल्यू स्टूडेंट है 1.62। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ मून था इसकी वैल्यू कैलकुलेशन के बाद कुछ यूँ बनती है। एक तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास सेम 6.28 और यहाँ हमारे पास जो स्टूडेंट वैल्यू बनेगी वो होगी 0.6172। और जब हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं इनकी मल्टीप्लीकेशन के बाद तो आंसर आएगा स्टूडेंट 4.9 सेकेंड का। तो ये आपके पास टाइम पीरियड होगा ऑन द सर्फेस ऑफ मून। तो ये आपके थर्ड न्यूमेरिकल के दो पॉइंट्स हमने कैलकुलेट करने थे तो ये भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए। अच्छा इसी के साथ स्टूडेंट अब हम लोग शिफ्ट करेंगे अपने फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ। और फोर्थ न्यूमेरिकल जो आज का है स्टूडेंट हमारे पास उसकी जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले हम हेडिंग दे लें कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है जो हम लोग मैंशन कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट जो गिवन डाटा है वो है अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। मीन्स डैट कि हमारे पास जो टाइम पीरियड है इसका मतलब क्या है, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन, सो द टाइम टू कंप्लीट द 1 वाइब्रेशन विच इज द टाइम पीरियड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। तो हमारी कैलकुलेशन में जो गिवन डाटा होगा टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड। सेकेंड स्टूडेंट जो चीज़ हमारे पास गिवन है, वी हैव टू फाइंड आउट कैलकुलेट द लेंथ व्हेन जी इज, इसका मतलब जी की वैल्यू भी गिवन है विच इज़ द 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। और यहाँ पर जो चीज़ हमने स्टूडेंट फाइंड आउट करनी है, अब ये वैल्यू जो हमारे पास जी की गिवन है ये जी वैल्यू कहाँ पर है, ऑन द सर्फेस ऑफ मून और ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो लेंथ की वैल्यू होगी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ ही रहेगी। अच्छा स्टूडेंट इसी के बाद हमारे पास आएगा जी फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट सिंपली टी जी और लेंथ के लिए जो अभी तक हमारे पास फार्मूला चल रहा है वो यही है, सॉरी 2π अंडर रूट लेंथ ओवर जी व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन अ गिवन फार्मूला। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेपरेट द लेंथ, सो बाय टेकिंग द स्क्वेयर रूट ऑन बोथ स्क्वेयर ऑन बोथ साइड द टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4πL/g एंड द वैल्यू ऑफ जी विल बिकम एज टी स्क्वेयर जी ओवर 4π इज इक्वल टू लेंथ। मैंने स्टूडेंट्स यहाँ से एक तो स्क्वेयर ऑन बोथ साइड लिया और स्क्वेयर ऑन बोथ साइड करने के बाद मैंने स्टूडेंट लेंथ की वैल्यू को सेपरेट कर लिया, जी इस तरफ मल्टीप्लाई 4π डिवाइड हो जाएगा। और अब जब हम अपनी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट कैलकुलेशन में आंसर कुछ यूँ बनेगा, टाइम पीरियड की वैल्यू स्टूडेंट 2 थी, 2 का स्क्वेयर, जी की वैल्यू 10 है, 4 × 3.14। तो सिंपली हमारे पास हमारी जो लेंथ की वैल्यू है स्टूडेंट वो आ जाएगी, ये 2 स्क्वेयर भी 4 है, इस 4 को इसके साथ आप कैंसिल कर सकते हैं, 10 को डिवाइड कर सकते हैं 3.14 के साथ। तो आंसर स्टूडेंट आपके पास यहां पर आता है लेंथ का 1.02 मीटर। अब क्योंकि स्टूडेंट मैंने यहां पर लेंथ था तो यूनिट यूज़ किया मीटर का, तो ये हमारे पास स्टूडेंट हमारा आंसर होगा। इसी के साथ स्टूडेंट अब है हमारा इसके बाद लास्ट आज के टॉपिक का जो लास्ट न्यूमेरिकल है विच इज़ द न्यूमेरिकल नंबर 5, उसकी तरफ चलते हैं स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स अगर 10.5 की स्टेटमेंट को देखें सो ये कहता है, अब ये हमारे पास फार्मूला कुछ चेंज होगा यहाँ पर, ये स्टेटमेंट इसकी है इफ़ 100 वेव्स पासिस थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम इन 20 सेकेंड, यानी 20 सेकेंड में एक पॉइंट से यानी एक पॉइंट ऑफ मीडियम में से 100 वेव्स पास आउट कर रही हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास सेकेंड पॉइंट है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव, यानी दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी भी और टाइम पीरियड ऑफ द वेव भी। इफ़ द वेव लेंथ इज 6 सेंटीमीटर कैलकुलेट द वेव सेकेंड वेव स्पीड। अब हम यहाँ से वेव स्पीड भी कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स सपोज स्टूडेंट हमारे पास जो गिवन डाटा पहले हम उसको फाइंड आउट करते हैं। गिवन डाटा के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हमारे पास जो स्टेटमेंट में था नंबर ऑफ वेव्स इन अ मीडियम इज इन 20 सेकेंड इज 100। सो हमारे पास सबसे पहले नंबर पे तो स्टूडेंट आ जाएगा नंबर ऑफ वेव्स विच इज 100। सेकेंडली हमारे पास पॉइंट था टाइम का जो 20 सेकेंड था, तो हम ये मेंशन कर सकते हैं टाइम इज 20 सेकेंड। इसी तरह स्टूडेंट फिर हम लोग लिखेंगे वेव लेंथ,
जो हमारे पास गिवन थी नीचे 6 सेंटीमीटर की। तो स्टूडेंट वेवलेंथ को हम लैम्डा से मेंशन करते हैं, ये हमें दी थी 6 सेंटीमीटर। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, मोस्टली न्यूमेरिकल्स के अंदर बच्चे एज इट इज कैलकुलेशंस को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आपने सबसे पहले जो पॉइंट नोट डाउन करना होता है वो ये है कि आपने चेक करना है कि आपके गिवन डाटा में क्या तमाम की तमाम वैल्यूज अपने स्टैंडर्ड यूनिट्स में अवेलेबल हैं या नहीं। अब देखें कि जो वेव लेंथ है यानी लेंथ का जो यूनिट हम प्रीवियस अपने फॉर्मूलाज में यूज़ करते रहे हैं वो था मीटर का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है सेंटीमीटर में, इसका मतलब कि ये स्टैंडर्ड नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। सो जब हम इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यूज आती हैं यहाँ पर वो कुछ ही होती हैं 0.06 मीटर। यानी कि अब ये देखें कि सेंटीमीटर एक स्मॉलर यूनिट है, मीटर ग्रेटर है। सो यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर। सो व्हेन यू शिफ्ट फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर यू हैव टू डिवाइड द वैल्यू। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। सो इट्स मीन्स डैट यू हैव टू डिवाइड द 6 सेंटीमीटर विद द 100। तो आप 6/100 लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.06 मीटर। इसको भी लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, 6/100 ये इसकी कन्वर्जन के लिए यूज़ किया हमने। अच्छा स्टूडेंट इसी के साथ हमने फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड आउट में सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी है अपना फ्रीक्वेंसी को, फिर हमें फाइंड आउट करना था अपना सेकेंड टाइम पीरियड को, फिर हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट वेव स्पीड को। तो तीन चीज़ें हमने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड वेव स्पीड मीन्स वेलोसिटी। तो फार्मूला इसके लिए कौन सा यूज़ होगा, कोई ऐसा फार्मूला आपके जहन में आ रहा है स्टूडेंट्स जिसके अंदर हमने ये तीन लेटर्स पढ़े हों, वी एफ एंड टी। बिल्कुल। सो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर वेव इक्वेशन यूज़ की जा रही है, तो वेव इक्वेशन हमारे पास स्टूडेंट होती है वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सो हम यहाँ से स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट एक इशू है, अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए, स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं, मैंने फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करनी है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें ना, तो यहाँ पर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनेगा वो होता है 1/T के लिहाज से, ठीक है। 1/T के अंदर हम यहाँ पर अपनी डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करेंगे, यानी हम यहाँ कंसिडर करेंगे कि कितनी वेव्स पास आउट कर रही थी इन टाइम पीरियड ऑफ गिवन वैल्यू यानी 20 सेकंड्स के अंदर। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम यूँ लिखेंगे इसको x/t। नॉर्मली जो फार्मूला फ्रीक्वेंसी का होता है स्टूडेंट वो होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T। तो ये होता है कि 1 वाइब्रेशन इन सेकंड्स, या कितने टाइम के अंदर एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास तो नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा हैं, टाइम भी ज़्यादा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको x/t के साथ मेंशन किया। अब यहाँ पर जब x की वैल्यू लिखेंगे आप 100, टाइम कितने सेकंड्स में 100 वेव्स पास आउट की थी 20 सेकंड के अंदर, कैंसिल करेंगे तो 2 1s and 5s, सो आंसर आ जाएगा 5। अब यहाँ पर इसका यूनिट फ्रीक्वेंसी का क्या होता है स्टूडेंट्स, हर्ट्स का। तो ये हमारे पास हमारा पहला आंसर है। फिर हमने फाइंड आउट करना टाइम पीरियड, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट टी इज इक्वल टू 1/f। मैंने फार्मूलाज के साथ साथ ही इसका सॉल्यूशन भी स्टार्ट कर दिया। अच्छा स्टूडेंट्स इसी के साथ 1/f, तो आप जब 1/5 लिखेंगे यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2 सेकंड, यह आपका सेकेंड आंसर। अब थर्ड और लास्ट आंसर जो हमने फाइंड आउट करना है ये था हमारे पास वेलोसिटी का, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो जब हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास स्टूडेंट होगी 5 हर्ट्ज़ की, और जो हमारे पास वेव लेंथ थी स्टूडेंट ये थी 0.06 मीटर की। तो स्टूडेंट जब हम अपनी इस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 0.3 का, और वेलोसिटी का यूनिट स्टूडेंट होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके आज के फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स आपके फर्स्ट चैप्टर के। इंशाल्लाह बाकी 5 जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं वो इंशाल्लाह अल अजीज़ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।